गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड फोर्थ ईवीएस, चैप्टर नंबर 6, रिया जर्नी। रीड दिस चैप्टर। रिया एंड हर फ्रेंड जिया वेयर वेरी एक्साइटेड। रिया और उसकी दोस्त जिया बहुत एक्साइटेड थे। दे वेयर गोइंग फॉर अ ट्रिप ऑन अ ट्रेन टू वापी। वो दोनों वापी को ट्रेन से जा रहे थे यात्रा के लिए। रिया वॉज गोइंग टू हर अंकल हाउस। रिया कहाँ पर जा रही थी? उसके अंकल के घर पर। एंड जिया वॉज गोइंग टू दमन विथ हर फैमिली फॉर अ हॉलीडे। एज द बोथ फैमिलीज डिसाइडेड टू गो टूगेदर। दोनों फैमिली ने डिसाइड किया था कि हम दोनों फैमिली साथ में जाएंगे। रियाज फादर हैड बुक ट्रेन टिकट्स फॉर बोथ द फैमिलीज बिफोर 15 days। 15 दिन पहले रिया के पापा ने टिकट्स बुक कर ली थी दोनों फैमिलीज की। जस्ट 2 days बिफोर देयर जर्नी, उनके जर्नी को खाली 2 दिन बाकी थे, तो जिया फेल इल। जिया बीमार हो गई। डॉक्टर टोल्ड हर टू टेक रेस्ट। जियाज फैमिली हैड टू कैंसल देयर टिकट्स। इसलिए डॉक्टर ने उनको रेस्ट करने के लिए बोला जिया को, इसलिए जिया की फैमिली ने टिकट कैंसिल कर दी। बोथ फ्रेंड्स वे आर वेरी सैड। दोनों दोस्त रिया और जिया बहुत सैड हो गई, दुखी हो गई। एज दे हैड मेड मेनी प्लान्स फॉर अ ट्रिप, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे प्लान बनाए थे ट्रिप के लिए। ड्यू टू जिया कैंसलेशन, जियाज कैंसलेशन, रिया फेल्ट वेरी सैड। वो बहुत दुखी हो गई। जिया सेड आई हैड एन आइडिया। जिया बोल रही थी रिया को, शी टोल्ड रिया कि मुझे एक आइडिया आई है। डोंट बी अपसेट, तुम अपसेट मत होना। यू राइट एवरीथिंग अबाउट योर ट्रिप इन अ डायरी एंड टेक फोटोज एंड वीडियोज इन योर मोबाइल। आप जो भी इंजॉय करते हो ट्रिप में, जो भी साइट सीइंग प्लेसेस कुछ भी देखते हो, तो आप अपने डायरी में लिखना, फोटोज वीडियोज निकालना। मैं विन You will come back, I will read your diary। आप जब वापस आओगे तो मैं वो डायरी पढ़ लूँगी। एंड विल सी फोटोज एंड वीडियोज टू, फोटोज और वीडियोज मैं देख लूँगी। रिया वेंट टू हर होम। रिया फिर घर पे वापस चली गई। शी फाउंड वन नोटबुक एंड अ पेन एंड पुट इन हर बैग। रिया ने अपने बैग में एक नोटबुक और पेन डाला डायरी लिखने के लिए। थिंक एंड राइट। इन विच व्हीकल हैव यू ट्रैवल, आपने कौन कौन से व्हीकल से ट्रैवल किया। आप लिख सकते हो कि आई ट्रैवल इन अ ट्रेन, कार, प्लेन एक्सेट्रा। यहाँ पे आंसर लिखा है आई हैव, इट्स आपके इट्स ओन थिंक, आप जो भी सोच रहे हो वैसे इधर आंसर लिखना है। आई हैव ट्रैवल इन अ बस व्हेन आई वेंट टू पिकनिक विथ माई फैमिली मेम्बर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है What would happen if Jia had traveled despite her illness? I think if she ill than traveled, she will more sick in a sickness. वो ज़्यादा बीमार गिर हो सकती है। We should take rest. ऐसे में रेस्ट, ऐसे में उसको क्या करना चाहिए, आराम करना चाहिए। नेक्स्ट पेज, रियाज डायरी, 28 May 2055। टुडे इज़ अ फुल मून डे। रिया बोल रही कि टुडे इज़ अ फुल मून डे। आफ्टर टेकिंग अवर डिनर, हमने हमारा डिनर ख़त्म किया। वी टूक ऑटो टू रीच गांधीधाम रेलवे स्टेशन। हमने ऑटो करके हम गांधीधाम रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए। आफ्टर सम टाइम द ट्रेन अराइव एट द स्टेशन। थोड़ी देर बाद वहाँ पे ट्रेन आ चुकी थी। वी सॉ सम पैसेंजर वी आर सिटिंग इन अ ट्रेन। ट्रेन हैड डिपार्ट एट 7:50। ट्रेन का निकलने का टाइम था 7:50 PM फ्रॉम भुज, मेन स्टेशन ऑफ कच्छ। द नेम ऑफ अवर ट्रेन वॉज द कच्छ एक्सप्रेस। उनकी ट्रेन का क्या नाम था? कच्छ, द कच्छ एक्सप्रेस। नेक्स्ट पैराग्राफ, व्हेन वी वेंट नियर द कोच, हम डिब्बे के पास गए, ट्रेन के डिब्बे के पास गए। देयर वॉज सो मच कमोशन फ्रॉम अ सिंगल डोर। एक ही डोर के पास बहुत सारा हल्ला गुल्ला उधर चल रहा था, भीड़ भाड़ थी। पीपल वी आर गेटिंग ऑफ एंड अदर्स वी आर पुशिंग एंड ट्राइंग टू पुट हर लगेज इनसाइड। उनका जो भी सामान था वो लेकर एक दूसरे को धक्का देकर लोग जा रहे थे। फादर फेल्ट सम वन पुशिंग, उसके रिया के पापा को भी किसी ने धक्का दिया। सो ही सेड ट्रेन विल स्टॉप हियर फॉर 15 and 20 minutes, सो डोंट बी इन अ हरी। यहाँ पे ट्रेन 15-20 मिनट रुकेगी, इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं है। वी सम हाउ मैनेज टू गेट इन, कैसे भी हम अंदर चढ़े। फाउंड अवर सीट
एंड केप्ट अवर लगेज एट द प्रॉपर प्लेस. हमको हमारी सीट मिल गई और हमने हमारा लगेज है, जो सामान है, लगेज मतलब क्या होता है सामान, वो हमने हमारे सीट पे रख दिया. मदर एंड आई गॉट विंडो सीट. मम्मी और मुझे, रिया को कौन सी सीट मिली? विंडो सीट मिली. फादर एंड हिमांश गॉट द मिडल सीट. देयर वॉज अदर फैमिली विथ अस. दे सीन टू बोर्ड द ट्रेन फ्रॉम द प्रीवियस स्टेशन. हमारे जैसी एक दूसरी फैमिली थी, वो पहले स्टेशन से ही चढ़े हुए थे. दे हैड टू चिल्ड्रेन, उनके भी दो बच्चे थे. फॉर अवर एज विथ देम, रिया और हिमांश के एज के ही थे. दे गॉट टू अपर सीट्स एंड टू लोअर सीट्स. ओके, नेक्स्ट पेज. आफ्टर सम टाइम द टिकट कलेक्टर केम एंड चेक अवर टिकट्स टू सी इफ वी आर इन अ प्रॉपर सीट्स. हम सही से बैठे हैं कि नहीं है, हमारे पास टिकट है कि नहीं, वो टिकट चेक करने देखा. व्हाई डिड रियाज फादर हैड सेट टू गेट इन द ट्रेन क्वाइटली. रिया के पापा ने ऐसा क्यों कहा कि हम ट्रेन में शांति से चढ़ सकते हैं? बिकॉज सो मेनी पीपल्स वी आर हरीडली ट्राइंग टू गेट डाउन और बोर्ड द ट्रेन. ट्रेन में अंदर घुसने के लिए बहुत जल्दबाजी कर रहे थे, इसलिए उसके पापा ने बोला कि अभी ट्रेन को 15-20 मिनट्स बाकी है निकलने में. हाउ विल यू रिकोगनाइज द टिकट चेकर एट द टाइम ऑफ जर्नी. आप अगर प्रवास करते हो कहीं पे भी, तो आप कैसे उस टिकट चेकर को पहचानोगे? तो उसका आंसर होगा, आई कैन रिकोगनाइज अ टिकट चेकर बाय हिज यूनिफॉर्म. उसकी यूनिफॉर्म से हम उनको पहचानेंगे. ही वेयर्स ब्लैक कोट एंड ब्लैक ट्राउजर्स. ही कैरीज चार्ट ऑफ अ ट्रेन विथ हैज अ पैसेंजर नेम्स एंड अदर डिटेल्स. पैसेंजर के नेम्स और अदर डिटेल्स उनके पास होगी, वो चेक करेंगे. नेक्स्ट है, आफ्टर वन आवर द ट्रेन स्टॉप एट द स्टेशन. एक घंटे के बाद एक स्टेशन पे ट्रेन रुक गई. आई सॉ इट फ्रॉम द विंडो. सम ख्याली जंक्शन वॉज रिटर्न ऑन द स्टेशन. आई आस्क माई फादर. यहाँ पे ओके, लेट्स स्टार्ट पेज नंबर 44. व्हाई इज द जंक्शन वॉज रिटर्न आफ्टर द स्टेशन्स नेम. स्टेशन के बाद जंक्शन क्यों लिखा जाता है? उसने ऐसा रिया ने उसके पापा को क्वेश्चन पूछा. फादर एक्सप्लेन टू मी दैट द स्टेशन एट विच टू और मोर रेलवे ट्रैक्स आर सेपरेटिंग इज कॉल्ड जंक्शन. दो नहीं तो दो से ज़्यादा रेलवे ट्रैक जब सेपरेट होते हैं उसको बोलते हैं जंक्शन. फ्रॉम दिस स्टेशन टू रेलवे ट्रैक्स आर सेपरेटिंग वन ट्रैक ऑन द ट्रैक ऑन विच अवर ट्रेन इज रनिंग इज द वे टू अहमदाबाद एंड द अदर गोज टू पालनपुर. ओके, ट्रेन डिपार्ट आफ्टर 2-3 मिनट्स. ट्रेन यहाँ से 2-3 मिनट्स के बाद निकल रही थी. द टू ट्रैक्स सेपरेट फ्रॉम वन अनदर. फादर शो इट टू मी फ्रॉम द विंडो. पापा ने उसको देखा कि बाहर अवर ट्रेन लेफ्ट द दैट स्टेशन, वहाँ से हमारी ट्रेन छूट गई थी. आई वॉज ऑब्जर्विंग द व्यू ऑफ साइट द विंडो. वो बाहर का नज़ारा देख रही थी. इट वॉज लुकिंग लाइक वाइट बेडशीट स्प्रेड अक्रॉस द ओपन प्लेन अप टू फार अवे टू द फुल मून नाइट लाइट. वहाँ पे फुल मून लाइट थी और उसमें जो जैसी बेडशीट चद्दर वाइट बेडशीट बिछाई हुई ऐसे उसको दिख रहा था. फादर सेड दैट इट वॉज अ स्मॉल डेजर्ट ऑफ कच्छ. ये एक स्मॉल डेजर्ट है कच्छ का. इट इज़ अ लुकिंग लाइक वाइट बेडशीट बिकॉज ऑफ वाइट लेयर ऑफ द सॉल्ट ऑन इट. यहाँ पे पूरा लेयर बिछा हुआ है सॉल्ट का. इन दिस एरिया अगारियाज आर हार्वेस्टिंग सॉल्ट बाय मेकिंग सॉल्टन. मतलब कारखाने सॉल्टन मतलब नमक के कारखाने. देयर वी कैन ऑल्सो सी वेरी बिग हिप्स ऑफ सॉल्ट. बहुत नमक के ढेर वहाँ पे दिख रहे थे. द ट्रेन वॉज मूविंग फास्ट. अभी हमारी ट्रेन बहुत फास्ट चल रही थी. समथिंग लाइक अ ब्रिज वॉज सीन इन द फेंट लाइट ऑफ अ मून.
जो हल्की रोशनी थी मून की, उसमें हमारी ट्रेन बहुत फास्ट चल रही थी, समथिंग लाइक अ ब्रिज, उसमें हमको एक ब्रिज दिख रहा था। देयर वॉज अ लाइट ऑफ अ व्हीकल सीन ऑन इट, बहुत सारे व्हीकल उसमें से चल रहे थे। व्हाइल वी वेयर क्रॉसिंग द ब्रिज आई आस्क माई फादर विच इज़ दिस ब्रिज, ये कौन सा ब्रिज है, उसने उसके पापा से पूछा। दिस इज़ अ सूरजबारी ब्रिज, ये आपको सूरजबारी ब्रिज दिख रहा है, सूरजबारी ब्रिज, दिस इज़ अ सूरजबारी ब्रिज, ही रिप्लाइड। इट इज़ नोन एज द एंट्रेंस ऑफ अ कच्छ। ही सेड दैट व्हेन दिस ब्रिज वॉज नॉट देयर ऑल द ट्रेन्स ऑफ अहमदाबाद यूज़ टू गो विया पालनपुर, दैट यूज़ टू मेक टू मच टेक मच टाइम, इसको ज़्यादा टाइम लगता अगर पालनपुर के रास्ते ट्रेन जाती तो। इमीडिएटली आई आस्क माई फादर, वी हैड सीन टू सेपरेट रेलवे ट्रैक्स बिफोर, दैट वॉज द वे टू पालनपुर राइट। फादर सेड यस फ्रॉम दैट रूट ओनली ट्रेन वॉज गोइंग, इट वॉज 11 एट नाइट, सो फादर टोल्ड अस टू स्लीप, मदर स्प्रेड आउट बेड शीट ऑन अवर सीट, मदर ने मम्मी उसकी मम्मी ने बेडशीट बिछा दी सीट पे, ऑल पैसेंजर वेयर ऑल्सो गोइंग टू स्लीप, सभी पैसेंजर लगभग सो ही गए थे। देयर वॉज अ टॉयलेट फैसिलिटी इन अ ट्रेन, आई वेंट टू टॉयलेट विथ माई मदर एंड देन स्लेप्ट, फिर वो सो गई। हैव यू एवर ट्रैवल बाय ट्रेन, क्या आपने कभी ट्रेन से ट्रैवल किया है? इफ यस देन फ्रॉम वेयर एंड अप टू विच प्लेस, कहाँ से कहाँ तक किया है ट्रैवल? यस आई ऑलवेज ट्रैवल इन अ ट्रेन व्हेन आई गो टू माई नानीज हाउस फ्रॉम अहमदाबाद टू पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड इन अ ट्रेन, ट्रेन में कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, राइट इन डिटेल्स, जैसे फर्स्ट एड एंड मेडिकल फैसिलिटीज, क्लॉक रूम, सेफ्टी लॉकर्स, वेटिंग रूम्स एंड एट स्टेशन एंड पेनेट्री फैसिलिटीज ऑन ट्रेन एक्सेट्रा। आई ट्राइड टू स्लीप बट आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप ड्यू टू द ट्रेन्स नॉइज, रिया ने सोने की कोशिश की पर ट्रेन में से जो आवाज़ हो रही थी उसकी वजह से उसको नींद नहीं आ रही थी। देयर वॉज अनदर फैमिली नियर अवर सीट, द गर्ल इन द फैमिली सीम टू बी ऑफ माई एज, ओ एक लड़की थी मेरे एज की थी, सम वॉज ऑल्सो नॉट फीलिंग स्लीपी, सो वी बोथ टॉक, तो हम दोनों ने बातें करना शुरू की। हर नेम वॉज फियोना, सी हैड सम स्टोरीज बुक्स, उसके पास कुछ स्टोरी की बुक्स थी। आई ऑल्सो टुक वन बुक फ्रॉम हर, मैंने भी उसके पास से एक बुक ली। लेट्स स्टार्ट पेज नंबर 46 एंड आई स्टार्टेड रीडिंग इट, उसने फियोना से एक बुक लिया और पढ़ने लगी। व्हाइल रीडिंग द बुक आई स्वेप्ट, पढ़ने के बाद फिर वो सो गई। सडनली आई वोक अप आई सॉ, सडनली आई वोक अप आई सॉ द लाइट ऑफ अ कमिंग फ्रॉम द विंडोज, आई सेट एंड पीपल पीप आउट ऑफ द विंडो, उसने झाँक के देखा, पीप मतलब झाँक के देखा विंडो से। इट सेम अ बिग सिटी हैड कम, बहुत बड़ी सिटी वहाँ पे आई है। और द ट्रेन वॉज अ पासिंग द सिटी वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल ऑल अराउंड बिकॉज द लाइटनिंग, लाइट की वजह से बहुत सिटी अच्छी दिख रही थी, बहुत सुंदर दिख रही थी। आई हैव नेवर सीन सच काइंड ऑफ ब्यूटिफुल सीन इन गांधीधाम। द ट्रेन वॉज पासिंग अंडर द ब्रिज, वो ट्रेन ब्रिज के नीचे से जा रही थी। और सम वेयर फ्रॉम रेलवे क्रॉसिंग वेयर ऑल अराउंड टॉल बिल्डिंग्स एंड द एटमोसफियर वॉज क्वाइट, एटमोसफियर बहुत शांत था, वो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें वहाँ थी। आई टुक माई मदर्स मोबाइल टू टेक फोटोज, उसने उसके मम्मी के पर्स में से मोबाइल लिया और फोटोज और वीडियोस निकालने लगी। एंड वीडियोस ऑफ दोज ब्यूटीफुल सीन्स विच वी विल इंजॉय वॉचिंग लेटर। आवर ट्रेन रीच एट द बिग स्टेशन, फादर ऑल्सो वोक अप, ही टोल्ड द अहमदाबाद केम, द एटमोसफियर फील्ड अप बाय द नॉइज ऑफ अ डिफरेंट हॉकर्स, बहुत अलग अलग हॉकर्स की उधर आवाज़ आ रही थी, अहमदाबाद स्टेशन आ गया था। सम ऑफ द वर्ड्स वी आर, चाय गरम, गरम गरम भजिया,
आपने सुना ही होगा, आप ट्रेन से जाते हो तो अलग अलग आवाज़ें हॉकर की आती है, पूरी पूरी शाक, कोल्ड वाटर बॉटल, बनानास, वड़ा पाव, वड़ा पाव, वड़ा पाव, चीकूज, एप्पल. फादर सेड द ट्रेन विल बी एट द स्टेशन फॉर 20 to 25 minutes. यहाँ पे वो ट्रेन रुकेगी. फादर गॉट डाउन फ्रॉम द ट्रेन एंड फिल वाटर बॉटल. आई ऑल्सो वेंट विथ हिम. पापा, उसके पापा बॉटल भरने के लिए नीचे गए और वो भी उनके साथ गई. लेट्स स्टार्ट. पेज नंबर 47. द प्लेटफॉर्म वॉज क्राउडेड. पैसेंजर्स वेयर बाइंग फ्रॉम द हॉकर्स. प्लेटफॉर्म पूरा भरा हुआ था, बहुत भीड़ भाड़ थी उधर. पैसेंजर वेयर बाइंग फ्रॉम द हॉकर्स. हॉकर से बहुत सारे पैसेंजर खरीदी कर रहे थे. देयर वेयर मेनी अदर्स ट्रेन एट द प्लेटफॉर्म. बहुत सारी अदर भी ट्रेन वहाँ पर रुकी हुई थी. देयर वेयर पीपल विथ अ रेड यूनिफॉर्म कैरिंग लोड एंड रनिंग अराउंड. रेड यूनिफॉर्म वाले लोग जो कुली होते वो इधर उधर जा रहे थे सामान लेके. देयर वॉज एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ऑन द माइक. माइक में इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट हो रही थी. एंड सम पैसेंजर वेयर वेटिंग फॉर द ट्रेन. कुछ पैसेंजर ट्रेन की वेट कर रहे थे. एंड आई इन्जॉय दैट सीन. वी टुक बनानाज एंड चीकूज. हम लोगों ने बनानाज और चीकूज लिए फ्रॉम हॉकर्स एंड गॉट इन द ट्रेन. नेक्स्ट पैराग्राफ. बाय द टाइम द ट्रेन वॉज स्टार्ट वी एट बनानाज एंड चीकू एंड आई वेंट टू द टॉयलेट. सो नाउ आई वॉज नॉट फीलिंग स्लीपी. तो भी रिया को नींद नहीं आ रही थी. आई वॉज हैविंग बोर्ड ऑफ अ. वो साथ में स्नैक्स एंड लैडर्स का गेम लाई थी हिमाक्ष, फियोना एंड आई प्लेड स्नैक्स एंड लैडर्स. वो तीनों मिलके स्नैक्स एंड लैडर्स गेम खेल रहे थे. इन द मिड टाइम द ट्रेन अराइव एट अ नडियाड. भियर फियोना हैड टू गेट डाउन. फियोना सेट बाय टू द देन आई एंड हिमाक्ष वेंट टू स्लीप. क्वेश्चन है, हैव यू एवर ट्रैवल बाय रोडवे एंड रेलवेज एट नाइट. वॉट डिड यू सी ऑन द वेज. राइट द डिटेल्स. यस, आई ट्रैवल बाय रेलवे रोडवे एंड रेलवेज एट नाइट. आई सॉ सम सो मेनी थिंग्स. आई सॉ स्मॉल विलेजेस, फील्ड्स, ब्यूटिफुल स्टार्स इन द स्काई, मून, ट्रीज एक्सेट्रा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉट डिड रिया सी इन अहमदाबाद फ्रॉम द ट्रेन. राइट, रिया सॉ हाई राइज बिल्डिंग्स, ब्रिज, बसेस एक्सेट्रा. लेट्स स्टार्ट. पेज नंबर 48. यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए है. डिड यू बाय एनी थिंग फ्रॉम द हॉकर्स एट द रेलवे स्टेशन ड्यूरिंग यू ट्रैवल. अब जब रेलवे से ट्रैवल करते हो तो हॉकर से फेरी वाला है उससे क्या क्या सामान लेते हो. यहाँ पे लिस्ट बनानी है. वाटर, टी, मिल्क, फ्रूट, बिस्कुट, नमकीन, बुक्स, जूस, न्यूज़पेपर, टॉयज एंड अदर फूड आइटम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड रिया सी एट अहमदाबाद रेलवे स्टेशन. रिया ने अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे क्या क्या देखा. रिया सॉ फ्रूट्स, वाटर, टी, मिल्क एंड अदर ईटेबल आइटम्स लाइक सब्जी पूरी, छोले भटूरे, ब्रेड पकौड़ा, बिस्कुट्स एंड नमकीन एक्सेट्रा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ अ वॉइस रिया हियर्ड एट अहमदाबाद रेलवे स्टेशन. कौन कौन सी वॉइस उसने आवाज़ सुनी थी. रिया हियर्ड द वॉइसेस ऑफ ट्रेन, हॉर्न, माइक की आवाज़ सुनी थी, कूलीज, पैसेंजर्स एक्सेट्रा एट अहमदाबाद रेलवे स्टेशन. ओके,